ऐसा ये बोल के हम लोग यहाँ पर आए हैं और आप लोगों के पाप सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? सुनने के लिए आए हैं और उसके बाद अपना अपना बात रखेंगे। सुनने के बाद आप लोगों का जो समस्या है आप लोग सुनेंगे। सुनने के बाद जो हमारा विधायक जी है श्री कृष्णपाल जी उनको बोलेंगे। और दूसरी बात है कि हम लोग भी चाय बागान के ही हैं। मेरे गांव बुबरीघाट चाय बागान का है, मुझे देख लीजिएगा। अगर आप लोग का समस्या दूर नहीं किया गया तो बाद में मैं आऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरे जितना भी बड़े बुजुर्ग है, बड़े भैया और चाचा जी लोग, पहले आप लोग का समस्या एक एक करके अगर बोल देंगे तो आप मुझे मैं सुनूंगा। लेकिन एक एक करके चार पांच आदमी बोलेंगे तो सबका सुनेंगे तो रात बारह एक बज जाएगा। मैं पहले सुनना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग भरे हैं, पहले आप लोगों को मैं बात सुनूंगा, उसके बाद मैं दो तीन चार बात रखूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा मेरे दोस्तों के, जैसे मैं परिचय पहले कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं पहले आप लोग का बात सुनूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग भरे हैं। लेकिन आप लोग का सबका बात अगर सुनने के लिए जाऊंगा तो सुबह हो जाएगा, ठीक है ना। सबका काम भी नहीं कर सकता है क्या? नहीं ना। तो इसलिए मैं आप लोगों का इतना बड़ा भैया माता जी है और चाचा काका जो है सबसे बात सुनूंगा। उससे पहले मैं परिचय करा दूंगा, कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरा जो चीफ गेस्ट बोलूंगा बीके पांडे जी, करो जाइए बीके पांडे, ये बुबरीघाट का है, बीके पांडे सुप्रीम पांडे, ये हैदराबाद में रहता है, हैदराबाद में एक कंपनी चलाता है। एक गर्व का बात है, ये चाय बगान का लड़का हैदराबाद में एक कंपनी चलाता है। इसका कंपनी में 100 से ज्यादा बच्चा है, 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज है। एक चाय बगान का लड़का हैदराबाद में जाके कंपनी खोला, ये गर्व का बात है कि नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा पांडे बीके पांडे जी ये इलेक्शन में आया है, क्यों आया है? मातृभूमि के कारण आया है कि हम लोग चाहे हम लोग तो मातृभूमि है ना, पत्रकार हम लोगों के लिए। तो ये मातृभूमि क्यों आया है? हमारा माननीय जो विधायक जी है श्री कृष्णपाल के लिए प्रचार के लिए आया, क्यों आया है? क्योंकि इन्होंने जब हैदराबाद में था तो बहुत लोगों को हमारे विधायक ने मदद किया इनके माध्यम से, फोन करके और पर पहुंचे इनको मदद करिए, तो उनको काफ से बहुत खुशी हुई, इसलिए आए हैं। ये इनका मायने में बहुत इनकम है, सब छोड़ के आया है, ठीक है ना। तो दूसरी बात है, उसके बाद लिली अरिजन जी है, मेंबर है सर ना, मेंबर है। उसके बाद मेरे भैया आप लोग पहचानती है, उसके बाद आनंद जी है, आनंद ये मातृभूमि का थोड़ा दिन चुका दिया है, क्योंकि हमारा चाय बागान का एक दफा लगा हुआ है, हम लोग काम किया है तो चाय बागान का हमारा बाइक करा हुआ है, तो उनका हम साथ में चला जाएंगे बोल के। लेकिन हम लोग चाय बागान बेईमानी नहीं है, चाय बागान का लड़का ईमानदार है और इन्होंने आज हमारा सर ऊंचा कर दिया, फिर से क्लब हो जाए। और बुबरीघाट से मंगल सालिया है, बुबरीघाट से ये पहले बहुत पहले बीजेपी करता था, बीजेपी मेंबरशिप लगाए बहुत खुश आ रहे हैं, लेकिन मेहनत नहीं आता बीजेपी के लिए। उसके बाद ठीक है, और ये जो और मेरा नाम है सालिया है, मैं बीजेपी बचपन से कर रहा हूँ, अटल बिहारी जो वाजपेयी था तब से, क्योंकि मैं बीजेपी इसलिए नहीं कर रहा हूँ पार्टी को, ये सब नहीं है। बीजेपी में क्या है, एक इंसानियत है, श्रृंखला है, अनुशासन है, एक ये क्या है, जुनून है बीजेपी में, ठीक है ना। और इसका कारण है कि हम लोग आपने सुनने के लिए आया है, एमएलए जी ने भेजा है, कहीं पे भी हम लोग जाएंगे तो पहले हम उन लोग को बात सुनेंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, उन लोग का अंदर दुख रह जाएंगे। सुनेंगे उसके बाद क्या होगा, बाद में देख दो साल पर बाद में आएंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो आने देंगे क्या हम लोग? नहीं देंगे ना, तो ठीक है। मैं फिर से दे दिया हूँ, बाद में मैं भी आपसे जो मेरा जो आपसे जो वार्तालाप करने के लिए बाद में बोलूंगा, तो मैं पहले आप लोगों का एक जो प्रॉब्लम है ध्यान से सुनूंगा, सबसे ज्यादा नहीं लेकिन चार पांच आदमी बोलेंगे जो प्रॉब्लम है बोल दीजिएगा, एक एक करके चिल्लाएंगे मत, क्योंकि हम लोग चाय बागान के लोग बहुत बहुत क्या है, हम लोग शांत है,
शांत है ना, हम लोग का इज्जतदार है, हम लोग चाय बगल का लोग पहले जैसे नहीं रहा है। हम लोग लड़का भी पुणे में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, साइंटिस्ट है एक नहीं, अभी साइंटिस्ट एक लड़का है ना, हम लोग पहले से बहुत बहुत गए, इज्जतदार बन गए हैं, इज्जतदार नहीं बने, इसीलिए एक एक करके अच्छे से बोलेंगे। मैं 10-15 मिनट आप लोग का बात सुनूंगा, बात सुनने के बाद मैं आप लोग, मेरे दोस्त पीके पांडे जी है जो आए हैं हैदराबाद से आप लोगों से वार्तालाप करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए हमारा माननीय विधायक श्री खिंदवाल जी द्वारा, ये भी बात सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा और एमएलए जी को जाकर बात करूंगा, तो इससे बात बोलेंगे आप लोग का जो समस्या है, उसके बाद हम लोग क्यों आए हैं उसके बाद बात करेंगे। धन्यवाद। पहले तो करके बोलिए लोकल मानु के बोलो जाए, आज के एगो का रहे बोलियो ना, तो तुहार एक्सपीरियंस बोलो का भइल का ना, आज के बोला का भइल काहे खातिर अत्याचार हो, तो तुहार का भइल समस्या सुन, समस्या सुन पर टांग दो, समस्या से कौन बात कर देखो, समस्या से हो गया राणा सबके हमारे प्रणाम, जितना गुरुजन माना जाए जाए हम सबके प्रणाम करत है। एक्चुअली हम चाय बगान के लेकर आए, बहुत कुछ बोल दे हमारे बारे में, ऐसा कुछ ना, हम ये माटी से जन्म ले लें, हमारे घर बुबरी घाट में है, चाय बगान के लेकर आए, तो हम सोचे थे दसवाली में बोलन ठीक लगी ना, अच्छा लगे, अच्छा लगे, अच्छा लगे। सबसे पहले सब गुरुजन के हमारे प्रणाम और माता सबके प्रणाम, हमारे छोटा भाई जो है पहले से हमारा ढेर सारा प्यार, आज ये प्यार है जो हमसे इतना दूर से खींच के लाई ले आई जा, हमारे को श्रद्धा है कृष्णेंदु जी के जन भैया जन हो कृष्णेंदु भैया उनके खातिर, कहे कि जब वो हमने को विपद में गिर ले हैं, विशेष भाग हमने के गांव के बा चा बगान के आदमी, उस सब दिन हमने के खड़ा है, आज के प्रमाण है हमने के भैया संगे संगे आके छुटा के गई ना, ऐसे हजारों बात है ये जिनकर संगे हम इन्वॉल्व रहनी, हम जाना था ही। अभी थोड़ा दिन पहले लॉकडाउन के टाइम पे चलत रहे जाना था ही, तो हम लोग के खबर मिलल है ना गोवर्धन तत्वा बोल के एक जगह रह ना इच्छा बिल के, तो वो जैसे हमने बगान में काम करे नहीं जा, कबो कबो का होला कुछ जरूरत बेसी रहेला पैसा कम रहेला, तो हमने बाहर जाए नहीं जा कमाए खातिर, तो वे खातिर वो बाहर गए ना, तब का भैया बेंगलोर में काम करते हैं, कोई छोटा मोटा एक नौकरी करते हैं ना, तो उस टाइम में उनका पैरालिसिस हो गए, कोई क्या तो पैरालिसिस होने के बाद से जो कंपनी रहे उनके निकाल दे, और वो कम से कम हॉस्पिटल में तब कोरोना चला था तो उनके क्यों रखबो ना कर हॉस्पिटल में, वही का दिन वो रास्ता में रहना कितना दिन, तो रास्ता में रहने का दिन कहा भैया उनका भाई एक जन रहना वहां संगे जबरदस्त तत्वा के संगे, तो उनका भाई और वो पुलिस स्टेशन के सामने बेंगलोर के कहे के तब ऐसा जरूरत रहे कि क्यों पुलिस स्टेशन में मतलब क्यों सपोर्ट करे वाला ना रहे जा, तो वो सबसे बड़ा एगो प्रॉब्लम हो जाते रहे, कहे के कोरोना के टाइम में एगो बीमार आदमी रास्ता में गिर के है, क्यों अगुवाई ना चाहते रहे, हमें लॉकडाउन हो गाड़ियों बंद हो घोड़ाओ बंद हो कहूँ से उपाय नहीं किए, और आदमी खुद खाई के मुस्कित हो गए, तो बाहर से कहाँ से दिया जा, यही खातिर ये प्रॉब्लम खातिर वो बहुत दिन रास्ता में रहना, और जो घर में रहते रहना वो घर से निकाल देना सर, कोरोना का दिन तू बीमार हो गए हुए तो कोरोना बोल गए बोल के बाहर कर देना सर, जब हमने के विधायक श्री कृष्णेंदु पाल के जब खबर मिला कि ऐसा भैल तो वो संगे संगे का करना हमके फोन करना, भैया ऐसा ऐसा खबर है का करल जाए ओके, तो कैसे हो उठाए हुए, हम एक सप्ताह तक ट्राई करनी बहुत कुछ अरेंजमेंट करनी कोनो और से सक्सेस ना भई, ओकर बाद रात 2 बजे हमके फोन करना हमने के विधायक श्री कृष्णेंदु पाल बोलो कि भैया ओके कैसे हो आने हो, तो हम बोलिए आने के तो आन ले जा बाकी नहीं जा, तो कोनो ऐसा सुविधा ना मिले था आने खातिर, तब वो हमके एजा से हमनी हैदराबाद से बेंगलोर करनी जा गाड़ी लेके ओजा से बेंगलोर से उनके उठा के आननी पैरालाइज हिसाब में आन के ओकर बाद ओजा से दिल्ली भेजनी जा, कहे कि गाड़ी डायरेक्ट ट्रेन ना चलत रहे दिल्ली भेजनी जा, दिल्ली से ओकर बाद वो आईना एजा इचा भी
आज ही कुछ दिन पहले हम गए लगे उनका संग देखा करे, सुस्त बाना अच्छा बाना ऊपर आला के बड़ा ये से तो ई चीज तू जितना खर्चा भइला पूरा कृष्णेंदु भैया देले हो आज जितना हेल्प लागल उनके थ्रू ही भइला जितना हमनी साहसो यदि कर ले जा तो उनका थ्रू ही कर ले जोन माने एगो एगो आदमी है को हो कोना में आज हम उनके घर देखे गए जानी एकदम हो कोना हो जन नदिया पार होके जाए लगे ना ओजा तो ओजा के आदमी के जब बेंगलोर में कहीं फसल हुआ तब वो सपोर्ट कर ले हुआ वो चीनी तो बहुत बड़ा है ना कर लो से का हो इतना लॉकडाउन के समय ना कर लो से का हो बाकी कर ले हुआ वो तो भगवान के खातिर एगो उनका अलग एगो प्यार है तो प्यार के बजाय रखे खातिर दूसरा एगो बात है देखा गाँव गाँव में आज जो रास्ता में आये यो देखो कैसे पक्का हो गया ईचा बिल के तो आज हम इतना साल बाद गए बहुत साल पहले गए रही माकुंदा जात रही जा हमने फजीरे बाहर आगे ये रास्ता में आए खाती कहे तुए को पास चलत रहे और तुए पास ऐसे ऐसे हिलत हिलत 10 मिनट में बुझाते 1 किलोमीटर चलत रहे आज के दिन में हम 10 मिनट में पहुंच लेंगे हमने ये गाड़ी लेके भीतर तक हमने जा सके नहीं जा बहुत बड़ा डेवलपमेंट है हमने ये गाँव खाती ऐसा चले लॉकडाउन के समय हमनी के घरे बगान बंद रहे सब कुछ रहे जितना हो सके हम तो अपन बुबरी घाट में देख ले हैं बाकी सब बगान से हमनी अपडेट ले ले हैं जा हर बगान में चावल दाल तेल पहुंचावत रहन मेडिकल पहुंचे ले हूँ जहां जहां जरूरत पहले दूसरा बात है हमनी के ई एरिया खातिर अब कितना दिन बाद ई पहले उनका हेल्प ऐसा आरो बहुत साइज कर ले हूँ बगान के अब गिन के हम उंगली में गिनाए ना सके भाई हमारा उनका से हम आपके परिचय करा के दे थोड़ा बात वो कैंसर पेशेंट रहना वो कैंसर पेशेंट हैदराबाद से मुंबई जाके 1 साल ट्रीटमेंट करेना 16 से 17 लाख रुपया खर्चा भइला वो आदमी स्वस्थ होके आइला ओकर मुख से हम सुनाई और कृष्णेंदु दा उनका खातिर का कर ले हूं यो बताई दूसरा बात भइला एक तो पहले हम देखा देने की बगान खातिर हमनी के कृष्णेंदु भैया काका करे ना वो व्यापार में दूसरा बात है यदि हम उन्नति के दिख में जैसे रास्ता घाट आज के दिन में रास्ता घाट अच्छा हो जरूरी है तो हमनी अगर गनी जाए तो 5 साल है एगो विधायक के 5 साल समय वाला उनमें से खाली 3 साल है वो काम कर ले हूँ एगो NRC में चल गई एगो कोरोना में चल गई लॉकडाउन में 2 साल 3 साल वो काम कर ले हूँ अब 3 साल में हमके बोले की जरूरत नहीं की आप लोग ही बोले की उन्नति का हो शिलान्यास हो चुका होता हमारे हेल्थ खातिर अभी 8 गो एम्बुलेंस खाली हमनी के बगान एरिया खातिर आई है हर जगह में 8 गो एम्बुलेंस बटाई है ओकर बाद है हमनी के 2 गो कार्ड दिवाई दे ई बीजेपी अमल में 2 गो कार्ड दिवाई दे एगो अटल अमृत एगो आयुष्मान 2 गो कार्ड दे ई 2 गो कार्ड से कम 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया अटल अमृत 5 लाख आयुष्मान 5 लाख तो ई हमनी के मेडिकल फैसिलिटी हो गए एजुकेशन खातिर हमनी के मॉडल स्कूल बना जाता आरो 5 गो स्कूल के हमनी के एरिया लेके पूरा बगान एरिया में स्कूल नया आ जाता तो हर साइड से आप लोग सबके हमनी के बगान के जो आदमी हुआ जा उनके डेवलप करे खातिर बहुत कोशिश कर जाता विशेष के हमनी के जो कृष्णेंदु भैया हुआ मेनली फोकस कर ले वो बगान के ऊपर तो हमार और से हमारे वो माने ऐसा जयहरी बोल रहे हुआ कि हमार एक्चुअली दादा खातिर एगो हमार जो वो जो प्रेम दिखाई ले हुआ ना हमनी के बगान के आदमी खातिर वो प्रेम के हम लौटाए चाहते हैं उनके यही खातिर हमारे जैसे जिम्मेदारी ले आई यही खातिर सबके हम जोड़ हाथ निवेदन कर रहे थे आज 5 साल तक जे वो हम सबके जो प्रेम दे ले हूँ हमनी के ख्याल रख ले हूँ आज वो टाइम है जब हमनी उनके लौटा के दे जा जो नु कर ले हूँ हमनी का दिन खाली एक दिन आपके एगो वोट बहुत इम्पोर्टेंट है एगो वोट बहुत इम्पोर्टेंट है तो ई ना सोची कि ना हम सब हमनी के घर से तो सब जात हुआ हम ना गैलो से ऐसा ना आप सबके अपन अपन वोट जाके दिया जा एक के गो दिन रही एक दिन मांगत हुआ 5 साल आपके लिए दे लूंगा और दिन एगो विषय बोलते कुछ दिन पहले उनका भैया के संगे हमारे
मुलाकात हो गए अचानक उनकर बड़ा भैया वो इंजीनियर हूँ। अबे बात करत करत अभी बात करत करत तो उन बोलत हुआ कि हमार छोटा भाई हुआ बोल के ना बोलत है तब एगो बोलत है कि हमारे छोटा भाई रात के सुतल ना है लॉकडाउन में रात के 2 बजे 3 बजे सुतल ना है। तो हम पूछनी तू कहाँ इतना बेचैन होके बाहर हो जात हुए और सारा दुनिया लॉकडाउन गिरल आ तू बाहर फिरत हुए कहियो सैनिटाइज करत हुए कहियो आदमी से जाके मिलत हुए तू बोलत हुआ भैया हमके नींद ना लागेला काहे के हमार भाई और हमार परिवार दिक्कत में है। तो हमार परिवार दिक्कत में है और हम एजा सुतल रह हमके आराम ना मिलत है। तो ये कुछ जीनिस बाटे ये आज तक कोनो नेता के भीतर ना देख ले हम कब अबो ना करती देखबो ना करती आप लोग से हो सके ले जा खड़ा होकर बातों ना करती एकमात्र उनका प्यार है और हमार विश्वास है ये खातिर हम एजा आये हैं। और भैया जो हम करत हुआ बहुत अच्छा करत हुआ कृष्णेंदु भैया हम चाहते हैं कि आप लोग सब आशीर्वाद करी उनके ए बार और अपन एक दिन आएगो वोट उनके जाके दे दिया जा। तो ये बोल के हम समाप्त करते हैं कोनो भूल चूल हो तो माफ कर दिया जा। और भाई प्यार सब प्यार भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद कृष्णेंदु पाल जिंदाबाद कृष्णेंदु पाल जिंदाबाद जय श्री राम जय श्री राम कृष्णेंदु पाल जिंदाबाद 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 बॉडी कृष्णेंदु पाल जिंदाबाद बोलिए किसका जनक हमारा टक्कर सुना 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 सुना